में मैं आपको पुरानी बेकार हो चुकी घड़ी को रिसाइकल करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैंने यहाँ पर एक डिजिटल वॉच ली है इस तरह की, और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, ये वेलवेट का फैब्रिक है, कोई भी फैब्रिक आपके पास है आप ले सकते हैं। अगर इस तरह का फैब्रिक नहीं है आपके पास तो ये मैंने वॉच को रख करके और साइडों से थोड़ा सा बड़ा या मार्जिन रखते हुए मैंने इसको तैयार कर लिया है, कट कर लिया है। और इसके बाद हमें इस तरह से चिपकाना है पीछे की साइड्स में, दोनों साइड्स हमने चिपका ली है इसकी। और इसके बाद आमने सामने की ये जो साइड्स बची हैं इनको भी चिपका देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो कपड़े से पहले आपने इसको कवर कर लेना है और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हैं वॉच को हमने कवर कर लिया है, एक साइड और रहता है, इसे भी इसी तरह से चिपका देते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस वॉच में हैंडल भी है, आप इसे चाहें तो टेबल पर भी रख सकते हैं या फिर वॉल पर हैंग कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास वायर से बने हुए इस तरह के बंच हैं, तो ये किसी पुराने फ्लावर बंच में से निकले हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे चिपकाने के बाद इसके एक एक स्टिक को मैं इस तरह से चिपका रही हूँ ऊपर की तरफ से ग्लू लगाते हुए। आप चाहें तो वायर लेकर के उसे आप कवर कर लीजिए, तो फ्लोरल टेप होता है उससे, और उससे भी आप इस तरह से चिपका सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का बंच नहीं है तो। और ये मैं रेडीमेड फ्लावर्स लगा रही हूँ इसके ऊपर, और इस तरह से बहुत ही सुंदर सी वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगी पुरानी वॉच का इस्तेमाल करके। नहीं तो इस वॉच को हमने फेंकना ही था, बट हम चाहें तो इससे अपने घर को और ज़्यादा सुंदर लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्लावर्स को चिपका दिया है, नीचे आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं चारों तरफ, और कितनी आसानी से हमारी वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गई। और इसमें होल होता है पीछे की तरफ, तो आप आसानी से इसे वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं कील की मदद से। तो इस तरह की कोई वॉच आपके पास पड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल करके इस तरह की वॉल हैंगिंग तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है रिसाइकल हो जाएगा और आप उससे कुछ यूजफुल चीज़ तैयार कर सकते हैं। जी ये देखिए मैंने लगा दिया इसको वॉल के ऊपर, और उसके बाद देख सकते हैं ये किस तरह से दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पीस। तो इस तरह से आपके पास भी कोई इस तरह की वॉच पड़ी है तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। इस तरह का पीस बहुत ही कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं, मैंने इसे 3 मिनट में रेडी कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी यूज नहीं होना है।